कैरियर प्लानिंग के हवाले से जो दे रहे होता है तो उसकी नज़र में भी टाटा बिरला और ये आपका फेसबुक का ऑनर और ये एक सक्सेस स्टोरी है सोसाइटी में, तो उनके जेब में भी ये सब नाम होते हैं और हर बच्चा ये सोच रहा होता है, जैसे हर बच्चा ये सोच रहा होता है कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। हर लड़की ये सोच रही होती है कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, या आजकल शायद ये भी सोचती है कि मैं मॉडल बनूंगी। तो इसी तरीके से हर बच्चा ये सोच रहा होता है। बात यह है कि वो फिर वो जो सोच रहे होते हैं कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो आखिर उनमें से बनते कितने और क्यों नहीं बन पाते? तो बात यह कि आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात सोचें, जब हम लोग थे तो हम लोग किससे सीखते थे कि हमने क्या बनना है? हम अपने सीखते थे पेरेंट्स से, अपने वालिद से, कि वालिद की कोई दुकान होती थी या वालिद का कोई छोटा मोटा कारोबार होता था तो हम वालिद के साथ कारोबार पर जाना शुरू करते थे, तो वहाँ से हम सीखते थे कि कारोबार कैसे किया जाता है और कारोबार का तरीका कार क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है। तो हम अपने जो चीज़ सीखी वो अपने वालिद से सीखी और हमने अपने वाले से कुछ फंडामेंटल असूल सीखे, ठीक। अच्छा, अब आजकल का जो दौर है, जब हम आजकल के दौर की बात करते हैं तो इसमें अगर हम सोचें तो आज पाकिस्तान में 14 लाख बच्चे हर साल पढ़ के मार्केट में आते हैं। उन 14 लाख बच्चों में से कितने पाकिस्तानी हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं? लेकिन दुनिया में अगर आप देखते हैं तो उनमें अगर इतनी तादाद में बच्चे आ रहे होते हैं तो उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। नौकरी जो है वो कितने लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर कितने बनते हैं? सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग अपना कारोबार करते हैं। दुनिया में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं और दुनिया में 90-95% के करीब के लोग होते हैं जो फिर आगे जाकर कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेसमैन वही लोग बनते हैं। वेयरएज के पाकिस्तान में हमारे पास कितने हमने एंटरप्रेन्योर पैदा किए हैं? पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में गिनती की हमने 100-200-300 एंटरप्रेन्योर पैदा किए होंगे, जिसमें अगर आप एक्सपी के ओनर की अगर आप बात कर लें, मियां मंशा साहब हैं या ये दाऊद हैं या वलीका थे या इस तरह के जो लोग हैं, मियां शरीफ थे या शौकत रीन है अगर बैंकिंग में देख लें, या आज तक की मिसाल आप देख लें तो शाम फूड है और इसी तरीके से और कई लोग हैं, ये अपना स्टूडेंट बिरयानी है फेमस मिसाल है। बात यह है कि कितने लोग जो हैं वो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बनते हैं? बहुत कम लोग बनते हैं, जबकि दुनिया में ये पिज़्ज़ा हट है या KFC है या फेसबुक है, इस तरह के बेशुमार हजारों के तादाद में लोग हैं जो दुनिया में एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो पाकिस्तान में लोग एंटरप्रेन्योर बन क्यों नहीं सकते? आप माँ बाप की विरासत से कितने लोग जो है उसे सीख के और आगे चले गए? ये जो यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेटर्स होते हैं, इनफैक्ट इसमें किसी चीज़ की तरबियत दी जाती है कि आपने अपने कारोबार का आगाज कैसे करना है, क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं और अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आप 18-20 हज़ार 15 हज़ार रुपये की आप जॉब कर रहे होंगे, अगर आप स्किल्ड हैं तो आप कहते हैं कि 50-60-70-80 हज़ार लाख रुपये की जॉब कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक बिजनेस मैन हैं जैसे अभी रेहान ने कहा, तो आप उसमें रिस्क लेते हैं, ठीक। अच्छा, आप रिस्क ले रहे हैं, अभी किसी ने पूछा था कि उसमें आपके पास फाइनेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों ने कहा कि फाइनेंस की जरूरत नहीं है, दरअसल फाइनेंस की जरूरत है लेकिन आइडिया की ज़्यादा जरूरत है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप गली मोहल्ले में देखते हैं बेशुमार लोग जो हैं, कोई कबाब बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, बेशुमार लोग हैं, लेकिन मनोशर्मा कितने लोग बना रहे हैं कि जो फ्रोजन करके बेचते हैं? आज से 40 साल पहले जब लड़कियाँ मेरे पास आते थे जॉब के लिए तो मैं उसे पूछता था कि ये बताओ कि अगर हलवा बना के और उसको पैक करके बेचना हो तो क्या करोगे? उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हाफिज का हलवा, मुल्तानी शोर हलवा ये मार्केट में आ रहा है। तो बात यह है, आइडिया आपके पास एक प्रोडक्ट होनी चाहिए और एक आइडिया भी होना चाहिए। जब तक आपके पास आइडिया नहीं है, अगर आपका पैसे और आइडिया नहीं है तो बेकार है। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है लेकिन थोड़े बहुत मनी है, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आपका कारोबार हो सकता है। आइडिया आपके पास हो तो आपको इन्वेस्टर मिल सकता है और आप इन्वेस्टर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप सारी जिंदगी फिर वो गली की नुक्कड़ पे कबाब ही बनाते रहेंगे। गली की नुक्कड़ पे आप मिसाल के तौर पे बंद कबाब है। पाकिस्तान में आज भी जो बंदा 50 साल पहले बंद कबाब बना रहा था वो आज भी बंद कबाब बना रहा है, जबकि KFC और मैकडॉनल्ड वगैरह के आप देखते हैं वो क्या है, वो बंद कबाब है, उसको बर्गर है, ठीक है, वो कितने कीमत में बिकता है, हमारा बंद कबाब कितने। तो बात यह कि अगर आपके पास बंद कबाब वाले के पास अगर आइडिया है तो वो KFC बन सकता है, वो मैकडॉनल्ड बन सकता है। तो आपको
आइडिया होना बहुत जरूरी है, इसके साथ फिर आप फाइनेंस भी अरेंज कर सकते हैं। फिर कारोबार के कुछ और फंडामेंटल असूल है कि ईमानदारी, प्रोडक्ट सही हो, क्वालिटी ठीक हो, प्रोजेक्शन ठीक हो, तो ये जो 5 P's या 6 P's होते हैं मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, ये भी आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें उसी आइडिया में शामिल है। थैंक यू।